देर पहले कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये देखते हैं उसमें क्या कहा। अजय माकन को दिल्ली चुनाव की बागडोर, माकन प्रचार समिति के प्रमुख बने। You all know that in the cantonment election yesterday what happened, you know, maybe the public perception is different also. We are a very close second to the BJP. If it can be a sample survey, you can understand where we stand. BJP got 12,000 and we got only 800 difference only. So where are we? Probably the public perception is very different, you know. So that what is the post-election scenario, we can't predict now. So we have we don't endorse any such opinion that we will support any other party. We are going to play a major role in Delhi's future politics. अगर मेरा सुझाव होता और मैं अगर इस वजह से करता तो कम से कम अपना कैंपेन कमेटी चेयरमैन तो आज मैं नहीं घोषणा होने देता। अजय जी, एक सवाल। इसके बाद हाँ, देखिए पार्टी जो भी जिम्मेवारी मुझे देगी, जैसी भी जिम्मेवारी मुझे देगी, मैंने कल भी कहा ये पार्टी को तय करना है और मैंने उस जिम्मेवारी का पालन करना है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मैं पहले विधानसभा के अंदर दूसरे इलाके में था। जिस वक्त 2004 में जब जनरल इलेक्शंस हुए तो मेरी नई दिल्ली पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरी विधानसभा क्षेत्र नहीं था। मैं स्पीकर था दिल्ली विधानसभा के अंदर और जगमोहन साहब के खिलाफ में उस वक्त मैंने बाहर से आकर के 20 किलोमीटर दूर आकर के यहाँ पे से चुनाव लड़ा, जीता और पहला चुनाव में 13,000 से जीता और अगला चुनाव में 1,90,000 से जीता। तो मैंने, जहाँ तक कि मेरी बात है, मैंने 5 चुनाव दिल्ली में लड़ करके जीते हैं, 3 विधानसभा और 2 पार्लियामेंट के चुनाव। और मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष और क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव लड़ करके मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी। मैंने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी से लेके दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर से, स्पीकर से, केंद्र सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, कैबिनेट मिनिस्टर, शायद ही कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होगी जो कि मैंने नहीं दिया। और हर जगह पे जहां पे मुझे मौका मिला मैंने ईमानदारी से परफॉर्म किया और यही बात लेकर के हम दिल्ली की जनता के पास में जाएंगे। चाहे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दिल्ली के तौर के ऊपर सीएनजी में कन्वर्जन करवाने की बात हो, चाहे मास्टर प्लान लेकर के आकर के दिल्ली की सिर को सीलिंग और डिमोलिशन से बचाने की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्टर के तौर पे स्पोर्ट्स बिल की बात हो, चाहे हाउसिंग मिनिस्ट्री में रियल एस्टेट डेवलपर्स को नकेल डालने के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल की बात हो। मैंने 15 साल मेरे राजनीतिक जीवन के एज मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और कुल 21 साल लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के अंदर मैंने बगैर किसी दाग के, बगैर किसी चार्ज के, बेदाग दामन के साथ में मैंने दिल्ली के अंदर काम किया है। और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग दिल्ली के अंदर हैं, हम लोग ट्रस्टेड भी हैं और टेस्टेड भी हैं। तो ट्रस्टेड और टेस्टेड लोगों को हम दिल्ली की जनता के सामने हम पेश कर रहे हैं। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर वालिया चाहे हम ले लें, अरविंदर सिंह लवली हम चाहे ले लें, हमारे योगानंद शास्त्री चाहे हम ले लें, हम किरण वालिया हमारे ले लें, जितने भी हमारे अच्छे ट्रस्टेड और टेस्टेड हमारे बहुत सारे चेहरे हैं जिनको लेकर के हम लोग दिल्ली के लोगों के पास में जा रहे हैं। हम ये मानते हैं कि करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसके खिलाफ में हमारे को लड़ना चाहिए। आम आदमी पार्टी ट्रस्टेड हो सकती है, टेस्टेड नहीं। हमारे बहुत सारे लोग ट्रस्टेड भी हैं और टेस्टेड भी हैं और मैं दिल्ली की जनता से यही अनुरोध करूंगा कि जो ट्रस्टेड हैं और टेस्टेड हैं उनको मौका दें और हम लोगों ने काम करके दिखाया है।